हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नीड फॉर मेजरमेंट। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम बोलते थे फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमको ये चीज समझ में आई थी स्टूडेंट्स की फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पर आखिर मेजरमेंट की जरूरत पड़ी क्यों? तो आज उसको हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पे बात करने वाले हैं कि किस वजह से इस मेजरमेंट की हमको जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने बात की थी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हमको मेजर करना पड़ता है, ओके, या फिर जिनके टर्म्स में हम किसी भी फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। सो बेसिकली फिजिक्स के कंसेप्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हमको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, वेलोसिटी हो गया, टाइम, फोर्स, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी हमको जरूरत पड़ती है अगर हम किसी भी फिजिक्स के कंसेप्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो, ओके। सो बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम गेस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। सेंस ऑर्गन्स मतलब हाथ हो गया, टच करने का तरीका हो गया, आंखों से देख करके हम ये चीजें बता सकते हैं। बट ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये हमको एग्जैक्ट डेफिनेट वैल्यू की कितना है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है, राइट। सो इसको हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स, ओके। जैसे कि मान लेते हैं हम कोई भी दो बॉडीज लेते हैं, ओके, हमारे हाथ में कोई भी दो बॉडीज ले सकते हैं एंड उन दोनों को अलग अलग हाथ में पकड़ने पे हम ये तो बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी हैवी है एंड कौन सी बॉडी लाइटर है, राइट। आप भी बता सकते हैं, कोई भी अगर आप बॉडीज लीजिए दोनों हाथ में रखिए तो आप बता सकते हैं कौन सी हैवी है कौन सी लाइट है, लेकिन आप एग्जैक्टली उनका मास कितना है सेपरेटली वो नहीं बता सकते। तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं देते उस फिजिकल क्वांटिटी का, ओके। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल लें तो जैसे कि हम देख करके कोई भी दो रॉड्स को हम ये तो बता सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा लंबी है और कौन सी कितनी छोटी है, राइट। अगर आपके सामने सपोज करते हैं रॉड के बदले में बोलूं दो पेंसिल रखी है तो आप देख के बता सकते हैं कि कौन सी छोटी है एंड कौन सी बड़ी है। बट अगर मैं बात करूं कि क्या आप एग्जैक्ट उनकी लेंथ कितनी है देख करके बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, राइट। सो बेसिकली जो है जो हम देख करके हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू टच करके हाथ में लेकर के जो भी हम उसके बारे में बताते हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव, राइट। क्वालिटेटिव यानी कि हम उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज की लंबी है छोटी है हैवी है लाइटर है बता सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव नहीं है, उसकी क्वांटिटी के बारे में बता नहीं सकते, राइट स्टूडेंट्स। एंड कभी कभी ये तक हो जाता है कि क्वालिटेटिव एस्टिमेशन जो हम क्वालिटेटिव एस्टिमेशन यानी अंदाजा लगाते हैं वो रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था कि अगर मैं दो पेंसिल आपके सामने रखूं, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर दो पेंसिल जिनकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस 0.1 या 0.001 है, तो उस कंडीशन में आपके सेंस ऑर्गन्स रॉन्ग आंसर भी दे सकते हैं, राइट। सो बेसिकली जो रॉन्ग आंसर है या राइट आंसर ये डिपेंड करता है आपके जो एक्सपीरियंस के ऊपर, आपने अभी तक जितनी चीजें देखे हैं किस तरीके से मेजरमेंट किए हैं, ओके, तो इस पे भी डिपेंड करता है एंड कुछ समय आपको वहाँ पे जो फिजिकल कंडीशन है उन पे भी डिपेंड करता है आपका आंसर सही होगा या गलत होगा। जैसे अगर एग्जांपल के लिए बात करूँ, सपोज करते हैं आपने राइट हैंड अपना डिप किए डुबाए हैं एक गर्म पानी के अंदर एंड लेफ्ट हैंड डुबाए हैं किसके अंदर? कोल्ड वाटर के अंदर। वापस बोल दूँ, लेफ्ट हैंड आप डाले हैं कोल्ड वाटर के अंदर एंड राइट हैंड डाले हैं वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी के अंदर, ओके, दोनों को साथ में डाले थे, ओके स्टूडेंट्स। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैंने वहां पे एक ल्यूक वार्म वाटर ला के रखा हूं यानी कि गुनगुना पानी बोलते हैं, ओके, अगर उस पानी में मैं आपको दोनों हाथ डालने बोलूं तो इस कंडीशन में जो आपका राइट हैंड है जो कि गर्म पानी में डाला हुआ था उसको ये पानी ठंडा लगेगा, लेकिन अगर आपके लेफ्ट हैंड की बात करें जो कि ठंडे पानी में डाला हुआ था उसको ये पानी गर्म लगेगा। तो आपके सेंस ऑर्गन्स तक के फेल हो जाते हैं अगर इस कंडीशन में हम बात करें तो। आपका एक हाथ बोलेगा कि ठंडा पानी है, एक हाथ बोलेगा कि गर्म पानी है, तो गेटिंग माई पॉइंट, सेंस ऑर्गन्स भी आपको गलत आंसर दे सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से असर्टेन करना, पता लगाना कि कौन सा आंसर सही है, ये डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करेंगे तो। तो अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे उससे ये तो क्लियर होता है स्टूडेंट्स कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए उन फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ओके। इसी वजह से फिजिक्स को बोला गया है एग्जैक्ट साइंस या फिर साइंस ऑफ मेजरमेंट। सो साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन ने एक स्टेटमेंट बोला था जिसमें बोला था उन्होंने कि जब कभी आप कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं, ओके, आप कोई भी चीज जब मेजर कर सकते हैं कि जब आप जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओके, तो जो भी आप बोल रहे हैं या फिर एक्सप्रेस कर रहे हैं अगर आप उन चीजों को
मेजर कर सकते हैं इन द नंबर्स, तब आप उस चीज के बारे में कुछ जानते हो ये हम बोल सकते हैं। बट अगर आप उस चीज के बारे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका नॉलेज जो है वो बहुत ही मीगर है, मतलब कि थोड़ा सा ही है। हम आपके उस आंसर से सेटिस्फैक्ट्री नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि फिजिक्स जो है ऑल अबाउट द मेजरमेंट, एग्जैक्ट वैल्यूज, राइट? तो वैल्यूज के बारे में अगर आप मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं करेंगे तो आपका नॉलेज कम माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली लॉर्ड केल्विन के इस स्टेटमेंट से उन्होंने इस चीज को हाइड किया है कि किसी भी चीज के, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो क्वांटिटेटिव नॉलेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। इसी पे अगर हम एक प्रोफेसर हैं डब्ल्यू एस फ्रैंकलिन, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हुए, उन्होंने कहा कि किसी भी यंग मैन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो भी अपने फर्स्ट कोर्स में फिजिक्स के जो भी एक्वायर कर रहा है, नॉलेज ले रहा है, वो एप्रिसिएशन के लायक होगा, यानी उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, पर तब अगर वो डिटेल्स प्रिसाइज हो। प्रिसाइज बोलने का मतलब एग्जैक्ट हो, नंबर्स के फॉर्मेट में हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली बात है, ये जो फ्रैंकलिन का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने इसमें यही बताने की कोशिश की है कि जो एक्यूरेट मेजरमेंट है उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्सफुली जरूरत रखी गई है, यानी कि इसकी नीड है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसके अलावा एक साइंटिस्ट थे एडिंगटन, उनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला था आपकी लाइफ बहुत ही छोटे कद की होगी एंड बहुत छोटी सोच की होगी। कब? अगर आप उन चीजों को फील नहीं कर सकते जो कि आपके चारों तरफ है एंड उसको वेट एंड मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स के टूल्स के थ्रू, एंड जो फिजिसिस्ट हैं जो उनको मेजर कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं वो मैथमेटिशियन है जो उसके बारे में बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन चीजों को फील नहीं कर सकते तो आपकी लाइफ जो है वो छोटे कद की। यानी ओवरऑल स्टूडेंट्स ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको हर चीज को मेजर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बिना आप फिजिक्स से डील नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमको समझ में आता है कि मेजरमेंट की जरूरत कितनी ज्यादा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।